इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए देखते हैं इस खास खबर। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ से लेकर बांग्लादेश और दुबई में पसंद किए जाने वाले मध्य प्रदेश के शाजापुर के संतरे इस बार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इस बार यहाँ संतरे की पैदावार पूरी तरह चौपट हो गई है। पौधों पर फल न लगने से संतरे की पैदावार 90% से ज्यादा प्रभावित हो गई है। इसका कारण शुरुआत में पर्याप्त पानी न गिरने और मिस्सी की बीमारी बताया जा रहा है। अपनी खास क्वालिटी और बम्पर पैदावार के चलते शाजापुर जिले के संतरे विदेशों में भी भेजे जाते हैं। इनका यहाँ हर साल 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। यहाँ के हजारों किसानों की आजीविका का अहम साधन भी ये संतरे ही है, लेकिन एक बार फिर मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की कमर तोड़ दी है। संतरे की फसल के लिए मौसम की अनुकूलता अहम रोल अदा करती है, लेकिन इस बार तय समय पर पर्याप्त बारिश न होने से इन पौधों पर फलन ही नहीं हो पाया। कुछ बगीचों में काली मिस्सी की बीमारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। किसानों की माने तो तय वक्त पर बारिश और उसके बाद तान यानी पानी की गेप होना फल को विकसित करने में मददगार होता है, लेकिन इस बार तय वक्त पर पर्याप्त पानी न मिलने से पौधों पर संतरे ही नहीं उग पाए। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे ही हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।